सेंटर ऑफ मास की शीट में पहला क्वेश्चन, दो बॉडीज हैं m1 m2, मासेस पता है m1 m2, कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 x2 y2, क्या निकालना है आपको? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, दो फॉर्मूलाज पता है m1 x1 m2 x2 वाला, m1 y1 m2 y2 वाला आंसर आ जाएगा। तो इसमें डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है, क्लियर है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू, एच सी एल मॉलिक्यूल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री में तीन मासेज हैं m1 m2 एंड m3, तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये भी हो जाएगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 plus m2 plus m3। तो सिंपल पॉइंट मासेज के क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, तीन स्फेयर इकट्ठे पड़े हुए थे ट्राइंगल की फॉर्म में और सेंटर ऑफ मास निकालना था, ये मेरी शीट का क्वेश्चन है। तो अगेन एच सी एल मॉलिक्यूल के पास अगला क्वेश्चन यही था, हमने ये भी किया हुआ है पर हमने ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें, ये क्वेश्चन है तो सेंटर ऑफ मास की शीट में पर क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी टेक्निक बताता हूँ, है क्या, फिर आप ये क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन है कि सपोज करो आपके पास एक डिस्क है, एक डिस्क है, इस डिस्क का मास एम है और रेडियस आर है। इस डिस्क में से हमने एक और डिस्क को काट दिया और फेंक दिया। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए कि डिस्क में से डिस्क काट के फेंक दो तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नहीं इसमें ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये डिस्क है और ओ इसका सेंटर है तो ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर। तो ओ के अबाउट आंसर क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर, सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने इसमें से एक और डिस्क को काट के फेंक दिया, ये लो ये वाली डिस्क काट के फेंक दी और जिसका रेडियस कितना है? आर बाय टू, आर बाय टू। तो एक और डिस्क को उठा के फेंक दिया तो अब रिमेनिंग डिस्क का ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो एक काम करते हैं, पहले ये समझते हैं कि ये डिस्क है, कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है। जिस डिस्क को काट के फेंका उसका मास निकालने पहले, तो इसका सेंटर मान लो ओ डैश है, इसका मास निकालना मैंने सिखाया था कि अगर टोटल एरिया डिस्क का पाई आर स्क्वायर है तो मास एम है, वन है तो एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर है, और अगर पाई इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर है तो एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बाई फोर। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? एम बाई फोर। तो मास कितना आ जाएगा? एम बाई फोर। तो जिस डिस्क को काट के हम फेंक रहे हैं उसका मास कितना है? एम बाई फोर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैं ये कहूं कि ये बताओ कि जो कट की हुई डिस्क है, कट की हुई डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ डैश के अबाउट क्या है? ओ डैश के अबाउट निकालना है, तो हाफ मास कितना है इसका? एम बाय फोर। रेडियस कितना है इसका? आर बाय टू का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? तो एक हमने कंप्लीट डिस्क का आई निकाल लिया, एक हमने कटी हुई डिस्क का आई निकाल लिया, तो बची हुई डिस्क का आई कैसे निकलेगा? टोटल आई में से क्या बोलते हो, इस आई को क्या कर दें? माइनस, तो बची हुई डिस्क आएगा। आंसर गलत आएगा, कोई बताएगा क्यों? मेथड तो सही है, होता तो यही है, पर गलत आंसर क्यों आएगा? क्योंकि हमने जो कंप्लीट डिस्क ली थी उसका एक्सिस ओ लिया था, ये लिया था, और जो कटी हुई डिस्क है उसका एक्सिस ये लिया था, एक्सिस कॉमन नहीं है। जब एक्सिस दोनों के कॉमन होते हैं फिर आप दोनों को माइनस कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? आपको इसमें पहले आपने ओ के अबाउट आई निकाल लिया, आपने ओ डैश के अबाउट आई निकाल लिया, आप एक काम करो, इस ओ डैश, ये जो ओ डैश है इसको उठा के इसके एक्सिस को इसके ऊपर लेके आओ, तो ये एक्सिस का आई पता है, इसके ऊपर लेके आओ बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि दोनों एक्सिस बाहर की तरफ हैं, तो इस एक्सिस को इसके ऊपर लेके आना है बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला बनेगा जो कटी हुई डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट बनेगा हाफ इंटू एम बाय फोर इंटू आर बाय टू का होल स्क्वायर, तो बनेगा ही बनेगा, जो यहां पर है वो तो बनेगा ही बनेगा, प्लस मास कितना आया था? एम बाय फोर इंटू आर बाय टू का स्क्वायर भी बनेगा। कहने का मतलब मेरे को इसके अबाउट आई पता था, ये रहा, मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट जो आई होगा, जो इसका था वो तो होगा ही होगा, वो तो होना ही होना है, प्लस मास इंटू एच स्क्वायर एम इंटू आर बाय टू का आर बाय फोर का होल स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी
वो किस एक्सिस पे आई, ओ पे आई। ये रूल समझ में आया, क्या किया, एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। अब आप रिमेनिंग डिस्क का अगर आप आई निकालें, तो अगर आप इसमें आई रिमेनिंग निकालें, तो रिमेनिंग आई होगा जो भी टोटल आई था, कितना, हाफ एम आर स्क्वायर में से ये पूरे का पूरा आई हाफ इंटू एम बाय फोर इंटू आर बाय टू स्क्वायर प्लस एम बाय फोर इंटू आर बाय टू का होल स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा इसमें से, माइनस तो आंसर आएगा, जो आएगा सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। टेक्निक समझ में आ रही है? तो रूल नंबर वन, पहले आप कंप्लीट आई निकालेंगे ओ के अबाउट। रूल नंबर टू, फिर आप इसका मास निकालेंगे, फिर आप इसका आई निकालेंगे ओ डैश के अबाउट, फिर आप ओ डैश के एक्सिस को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करेंगे ओ पे, फिर आप दोनों को आई को माइनस करेंगे। तो टेक्निक समझ में आ रही है यहां तक, कैसे सोच रहे हैं? तो आप सेम क्वेश्चन अप्लाई करें, आपकी शीट के अंदर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, ट्राई करें अभी। तो क्या क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास एक पूरी डिस्क है। अब कंफ्यूज करने के लिए डिस्क का मास m लेने की बजाय उसने कितना लिया, 9m। तो एक डिस्क है जिसका मास है 9m और रेडियस इसका कितना है, r है। इसमें से एक डिस्क को काट दिया, ये डिस्क को काट दिया, इस डिस्क का रेडियस कितना है, r बाय 3, और दोनों सेंटर्स में दूरी कितनी है, 2r/3। तो इसको काट के फेंक दिया, रिमेनिंग डिस्क का i निकालना है। तो रूल नंबर वन, पहले पूरे डिस्क का आई निकालो। कंप्लीट डिस्क का आई क्या होगा, हाफ पूरे डिस्क का मास इनटू पूरे डिस्क का रेडियस का स्क्वायर। पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक? पहला स्टेप क्लियर है, कंप्लीट डिस्क का आ गया, मास 9m है तो 9m यूज कर दिया। अब कटी हुई डिस्क का पहले मास निकालो। कटी हुई डिस्क का मास कैसे निकलेगा, इसका रेडियस कितने, r/3। तो क्या करते हैं, पूरे डिस्क का मास पर यूनिट एरिया ले लें, पूरे डिस्क का मास कितने, 9m है और एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो इसको कटी हुई डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो कटी हुई डिस्क का मास आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं ना, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज मास। तो टोटल एरिया अगर पाई आर स्क्वायर, तो मास 9m है, तो 9m बाय पाई आर स्क्वायर मास पर यूनिट एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो सॉल्व करके क्या आ गया, मास। तो कटी हुई डिस्क का मास क्या आ गया, m। ये स्टेप भी क्लियर है, नहीं देखो क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि हमने एक स्टेप फालतू क्यों करना। अगर टोटल एरिया पूरी डिस्क का पाई आर स्क्वायर है, तो मास कितने, 9m है, 1 है तो 9m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर है, और अगर पाई इंटू आर बाय 3 का होल स्क्वायर है एरिया, तो इसको पाई इंटू आर बाय 3 के होल स्क्वायर से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब ठीक है, वही तो किया है, तब ये शॉर्टकट सीख लो, मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करके सीधा मास आता है, ठीक है यहाँ तक? तो ये आपके पास मास आ गया। जो कटी हुई डिस्क है उसका आई क्या होगा, हाफ इंटू कटी हुई डिस्क का मास इंटू कटी हुई डिस्क का आर बाय 3 का स्क्वायर। तो अब आपके पास टोटल आई आ गया, जो टोटल आई आया उसका एक्सिस ओ है, जो कटी हुई डिस्क का आई आया उसका एक्सिस ये पॉइंट है, एक्सिस कॉमन नहीं है। तो एक काम करो, इस एक्सिस को इसके ऊपर शिफ्ट करें, दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, 2r/3। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से कटी हुई डिस्क का मोमेंट इनर्शिया सेंटर ओ के अबाउट क्या होगा, जो ये था वो तो होगा ही होगा, प्लस मास इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस मास इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर इसमें क्या करना है, ऐड। तो ये आपके पास कटी हुई डिस्क का आई आ गया, जब सेंटर कहां से पास कर रहा है, उसका ओ से।
अब रिमेनिंग डिस्क का कैसे निकलेगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम निकाल ही चुके थे पूरे डिस्क का, उसमें से ये पूरी की पूरी टर्म को क्या कर देना है? माइनस जो बचेगा फाइनल आंसर होगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? पहले पूरे डिस्क का निकलेगा, कटी हुई डिस्क का निकलेगा, एक्सिस शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। मेथड क्लियर है यहां तक? तो ये स्टेप समझ में आया, पूरे डिस्क का आया आ गया, ये रहा मास निकालना आ गया कटी हुई डिस्क का। कटी हुई डिस्क भी तो डिस्क ही है, तो उसका आई क्या होगा? हाफ इंटू मास इंटू उसका रेडियस का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो आई की वैल्यू आई है ये कटी हुई डिस्क के सेंटर से पास कर रही है, यानी कि यहां से मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे निकालना है। दोनों में डिस्टेंस कितना है? 2r/3। तो एक्सिस शिफ्ट करना पड़ेगा। बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटी हुई डिस्क का कितना है? इतना है। तो m इंटू 2r/3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया। तो अब टोटल में से, टोटल आई में से इस आई को माइनस करके आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, शीट की प्रॉब्लम है, ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स शीट की प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन देखो, डिस्क में से डिस्क काट के फेंक दी, इस बार आई नहीं पूछा, इस बार ये पूछा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ शिफ्ट होगा। और मैंने आपको लास्ट टाइम शॉर्टकट करवाया था, एक a1r1 - a2r2 / a1 - a2, इसको लगा के देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है एक बार प्लीज। तो इसमें एक सर्कुलर प्लेट है, इसमें लंबा मेथड नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। एक सर्कुलर प्लेट है या डिस्क है, उसमें से हमने एक डिस्क को क्या किया, डिस्क को उठा के फेंक दिया, काट दिया। तो नया कोऑर्डिनेट निकालना सेंटर ऑफ मास का। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में A1 क्या होता है? पूरी डिस्क का एरिया होता है। A2 क्या होता है? कटी हुई डिस्क का एरिया होता है। तो पूरी डिस्क का एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, पूरी डिस्क का डायमीटर क्वेश्चन में 56 गिवन है, तो रेडियस 56/2 हो जाएगा। तो A1 क्या होगा? पाई इंटू डायमीटर बाई टू का होल स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पॉइंट क्लियर है, तो A1 A2 आ गया यहां पर। तो इसमें एरिया ये किसका है? पूरी डिस्क है, और ये एरिया किसका है? कटी हुई डिस्क का। आ गया A1 A2 आ गया। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर याद रखना कि जो पूरी डिस्क होती है, कंप्लीट डिस्क, उसका जो सेंटर होता है, सेंटर उसको आप प्लीज हमेशा ओरिजिन लेना, ओरिजिन ओरिजिन लेना। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे सपोज करो, लेट अस सपोज मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये पूरी एक डिस्क है, और इसमें से इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है? 56 गिवन है, या रेडियस ले लेते हैं, रेडियस कितना है? 28 है। ठीक है, इसमें से मैंने एक और डिस्क को काट दिया कुछ ऐसे, और रादर ऐसे भी नहीं, थोड़ा अलग लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, ये 28 था। तो जब, क्योंकि इस डिस्क का सेंटर यहां पे था, तो ये 28 था, मैंने एक और डिस्क को काट दिया जिसका डायमीटर कितना है? 21 है। तो दोनों के सेंटर में दूरी क्या होगी? दोनों का रेडियस, एक का रेडियस 28 है, एक का रेडियस 28 है, एक का रेडियस कितना है? 21 है। तो इन सेंटर में दूरी क्या होगी? 7 होगी। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेटर डायग्राम है। ये देखो, इस डायग्राम में देख लेते हैं, इस डायग्राम के अंदर ये पूरी डिस्क है, इसका सेंटर ये रहा, राइट? ये कटी हुई डिस्क है, इसका सेंटर ये रहा। तो यहां से लेके यहां तक रेडियस कितना है? 28 है। यहां से लेके यहां तक रेडियस कितना है? 21 है। तो ये डिस्टेंस कितना है? 7। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिन ले लो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 7, 0। ये स्टेप समझ में आया? तो पूरे डिस्क का कोऑर्डिनेट का सेंटर 0, 0,
कटी हुई डिस्क का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 7,0। बस आपको यही देखना होता है कि पूरी डिस्क का सेंटर और कटी हुई डिस्क के सेंटर में दूरी क्या होती है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इसमें दो बॉडीज लेते हैं, पहली बॉडी A1 पूरी डिस्क, A2 कटी हुई डिस्क, A1 A2 आ गया। पूरे डिस्क का सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे, तो एक कोऑर्डिनेट उड़ गया 0, और दूसरा कहां पर है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 7, क्योंकि ओरिजिन से वो 60 सेंटीमीटर दूर है। A1 A2 आपको पता है, 1 सेकंड में आंसर -9। क्या जबरदस्त तरीका है, कुछ नहीं करना। A1 जो पूरी डिस्क है उसका कोऑर्डिनेट तो वैसे ही सेंटर पे लेना है, तो एक ये वाली कैलकुलेशन तो हर वक्त आपकी क्या हो जाएगी? 0 होनी है। और दूसरा आपने डिस्टेंस ढूंढ लेना है, वहां से आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है वैसे। और क्वेश्चन नंबर जो 9th क्वेश्चन है वो शीट की प्रॉब्लम है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ये मैंने कराया था। सेम क्वेश्चन फिर से करो। एक डिस्क है, इस बार डिस्क में से स्क्वायर काट के फेंक दिया, सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हुआ बताओ। तो इसके अंदर फिर लगाओ A1 R1 - A2 R2 / A1 - A2 करके देख लो, आंसर आएगा। तो ये बताओ, A1 अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, ये फॉर्मूला लगेगा, ये बात सबको समझ में आ रही है? A1 किसका एरिया होगा? पूरी डिस्क का, डिस्क का। A2 किसका एरिया होगा? स्क्वायर का। तो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पूरे डिस्क का, पहला R1, वो क्या होगा? 0, तो हमेशा 0 लेना, ओरिजिन लेना है। और इसका कोऑर्डिनेट ये रहा, और इसकी दूरी कितनी है दोनों सेंटर्स की? R/2, तो R2 की जगह क्या आएगा? R/2। R1 की जगह क्या आएगा? 0। समझ में आ रहा है यहां तक? अब सारी गेम एरिया निकालने पे है। एरिया डिस्क का तो आपको आता ही है, πr². स्क्वायर का निकालने के लिए अगर ये R/2 है और ये भी R/2 है, तो पाइथागोरस से मैंने इसकी साइड निकाल ली R/√2। अगर साइड आ गई स्क्वायर की, साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एरिया? तो A1 आ गया, A2 आ गया। A1 A2 पुट कर देंगे, एक का कोऑर्डिनेट क्या? 0, और एक का कितना? R/2। A1 A2 पता है, 1 सेकंड में आंसर आएगा। जो ऑप्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ऑप्शन मैच कर लेना। दो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस जरूरत नहीं है इसको। एक्चुअली ये वो डिस्टेंस है कि कटी हुई डिस्क का सेंटर मास x शिफ्ट हो जाएगा, x निकालना है, और x का आंसर ही ये है। x ही तो निकालना है हमने कि वो सेंटर मास लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा x, तो x निकालना है। पर यहां पर हम x की फॉर्म में कर नहीं रहे, मैंने आपको जबकि थ्योरी में x की फॉर्म में करवाया था -x, 0, पर ये ज्यादा बढ़िया शॉर्टकट है, इसमें सीधा ही आंसर आएगा। या x कर लो, सेंटर ऑफ मास का मतलब यहां पर x आएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? मैं अपलोड करूंगा गूगल ड्राइव पे शीट। इस क्वेश्चन को एक बार देखें, क्या क्वेश्चन है 11th। तो क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल्स जिसके मासेस 3 पार्टिकल के गिवन है, m1 m2 m3 गिवन है। ये देखो, m1 गिवन है, m2 गिवन है, और m3 भी गिवन है, m4 नहीं गिवन। वो बोल रहा है कि m4 कितना हो ताकि सेंटर ऑफ मास सभी पार्टिकल का इस फिगर के सेंटर पे आ जाए। अब मासेस इक्वल तो है नहीं, अगर इक्वल होते फिर तो सेंटर पे होता, इक्वल तो है नहीं, अनइक्वल है। तो यहां पर जैसे ये ओरिजिन है, तो ये कोऑर्डिनेट A, 0 है, ये 0, A है, ये A, A है।
कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर आ गए। मुझे सेंटर ऑफ मास यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए का मतलब ए का आधा कितना ए बाई टू और इसका आधा कितना ए बाई टू, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा ए बाई टू कॉमा ए बाई टू। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या निकालना है आपको, एम फोर निकालना है। अब एक काम करते हैं, आपको क्या गिवन है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर और एक्स सेंट्रोमास वाई सेंट्रोमास पुट कर देते हैं। एक्स सेंट्रोमास ए बाई टू गिवन है, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री एम फोर एक्स फोर, एम वन एम गिवन है, एम टू टू एम गिवन है, एम थ्री थ्री एम गिवन है, एम फोर निकालना है। तो एम फोर निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थ्री एम आ गया, सॉल्व करके थ्री एम आ जाएगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो वाई कोऑर्डिनेट पे भी, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी अप्लाई करो, वाई कोऑर्डिनेट भी सेंटर ऑफ मास का ए बाई टू है, तो एम वन वाई वन एम टू वाई टू एम थ्री वाई थ्री एम फोर वाई फोर, एम वन एम टू एम थ्री गिवन है, सॉल्व करके एम फोर निकाल लो, एम फोर क्या आ गया फाइव एम। अरे ये क्या हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो मास आ जाता है थ्री एम और वाई कोऑर्डिनेट यूज करते हैं मास आता है फाइव एम। मास तो मास है ना, मास थोड़ा चेंज होगा, तो मास क्या आना चाहिए एग्जैक्टली सेम। अगर तो दोनों में सेम आता फिर वही आंसर होता, अगर सेम नहीं आता कॉन्ट्राडिक्शन है, क्वेश्चन में सॉल्व नहीं हो सकता, सेंटर मास सेंटर पे नहीं आता, आंसर नन है इसका, आएगा ही नहीं आंसर इसमें से कुछ भी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो क्योंकि नॉर्मली लोग एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करके आगे आ गया आंसर डन, वाई कोऑर्डिनेट करके आ गया डन, तो इसमें एक्स और वाई दोनों डिफरेंट आ रहे हैं जबकि मास दोनों में एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, तो नन आंसर मार्क करना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ, मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। एक रिंग में एक बात बताओ, अगर एक रिंग है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे। पर नॉन यूनिफॉर्मली में कहीं मास ज़्यादा कहीं मास कम, मान लो इसका रेडियस ए है, ए है तो मान लो इस पोर्शन में मास ज़्यादा है, रिंग का मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई नहीं करेगा, कहीं यहाँ 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 या यहाँ लाई करेगा, अब इसके बाहर तो जाएगा नहीं, तो क्या लाई करेगा, जीरो और ए के बीच में लाई करेगा। तो आंसर क्या है, जीरो और ए के बीच में लाई करेगा, बी का मतलब एनी आर्बिट्ररी डिस्टेंस है, जैसे आर लेते हैं वो बी ले रहे हैं, तो बी का मतलब कोई भी डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास बी कहाँ लाई करेगा, या तो सेंटर पे होगा या फिर रेडियस तक जाएगा, इसके बाहर नहीं जा सकता, इसलिए ये आंसर है इसका। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन, ये फिगर सही नहीं बनी हुई, थोड़ी उल्टा बनी, ये जो मैन है वो उल्टा जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में अ मैन ऑफ मास 80 केजी, मैन का मास 80 केजी है और एक कार्ट के ऊपर, कार्ट का मास 40 केजी है विच इज रोलिंग लेवल फ्लोर एट अ स्पीड ऑफ 2, तो कार्ट आगे जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 2, ही इज रनिंग ऑन द कार्ट एंड इज वेलोसिटी रिलेटिव टू द कार्ट इज 3 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार्ट। तो मैन कहाँ भाग रहा है, इधर भाग रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये रिलेटिव वेलोसिटी है मैन की। ठीक है यहाँ तक? तो एक आपको कार्ट की वेलोसिटी दे दी, एक आपको रिलेटिव वेलोसिटी मैन की दे दी, आपसे पूछा कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या है। तो इसमें सबसे पहले काम करते हैं, कार्ट की स्पीड तो मुझे पता ही है 2, मैन की स्पीड निकाल लेते हैं। मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट हमने वेक्टर किया, ये फॉर्मूला हुआ करता था, मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लिखते थे, मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू मैन की स्पीड माइनस कार्ट की स्पीड, यही रूल होता था। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, मैन की स्पीड निकालनी है इज इक्वल टू वी एम सी प्लस वी सी। अब मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितनी गिवन है 3 और कार्ट की स्पीड कितनी गिवन है 2 लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो मैन की स्पीड यहां पर क्या आएगी 1। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको मैन की स्पीड चाहिए, आपको कार्ट की स्पीड चाहिए, आपको रिलेटिव स्पीड थोड़ी ना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का अगर आपको फॉर्मूला लगाना है m1 v1 m2 v2 by m1 plus m2, तो इसमें v1 v2 क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज ना कि रिलेटिव वेलोसिटीज। तो ये मैन का मास है, ये मैन की वेलोसिटी है, ये कार्ट का मास है, ये कार्ट की वेलोसिटी है, अपन टोटल मास। आंसर जीरो नहीं आ रहा, आंसर मुझे पता नहीं क्या आ रहा है, 1 point something जीरो नहीं है कम से कम, तो निकाल लेना आंसर 1 point something है। मेथड समझ में आ रहा है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी से सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, मैन की स्पीड निकालनी पड़ेगी, तब आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें?
पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ठीक। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किया हुआ है आपने, ये शीट की प्रॉब्लम है 14th 15th। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है थ्योरी में, मैंने आपको सिखाया था दो मासेस हैं जैसे 2 kg और 1 kg या m1 m2, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालो। तो मैंने शीट में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो इसमें m1 m2 पता है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी आ गई, g/9। अब सेंटर ऑफ मास जब सिस्टम रिलीज होगा, सेंटर ऑफ मास पहले वो रेस्ट पे था तो 2 सेकंड में कितना नीचे गिरा वो निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s = 0 + 1/2 at². सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं और टाइम इसमें 2 सेकंड है, सॉल्व करके क्या आ गया आंसर। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गिरेगा समझ में आ रहा है कैसे करना है? शीट के अंदर थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा रखा है, अगर आपको याद हो कि पुली में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। ठीक है यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 16 शीट की प्रॉब्लम है, वो दो फ्रेगमेंट ब्रेक होते थे, सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल की तरह कवर करता था, सेम क्वेश्चन है। 17th में दो ब्लॉक्स हैं, पहला 14 मीटर से चलता है और एक 0 से रेस्ट पे था, तो एक को हमने इंपल्स दिया 14 का और एक रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो क्या होगी, बहुत आसान है, m1 v1 m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2। आंसर तो कुछ भी नहीं करना, इसमें दो स्प्रिंग का मास तो है ही नहीं ना, तो स्प्रिंग का मास तो लेना ही नहीं है। तो दो ब्लॉक्स हैं, दोनों की वेलोसिटीज गिवन है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, वो आइस मेल्ट हो जाती है ट्रे के ऊपर, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किया हुआ है, अगर दो पार्टिकल m1 m2 हैं और सेंटर ऑफ मास हमारा हमारे बीच में है, अगर मैं d1 पास आता हूं तो ये कितनी पास आएगा, d2। तो रिजल्ट याद करवाया था, m1 d1 = m2
डी टू सेम रिजल्ट है। ये क्वेश्चन किया हुआ है, प्रोजेक्टाइल के दो टुकड़े हो जाते हैं और एक दूर जाके गिरता, शीट की प्रॉब्लम है ये भी, और ये भी शीट की प्रॉब्लम है, वो एक मास नीचे गिरता है तो इंक्लाइन प्लेन पीछे जाता है, कितना पीछे जाएगा ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है।